हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ब्लेंडिंग ब्रशेज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आप अपने स्केचिंग में यूज़ कर सकते हो, अपने पोर्ट्रेट्स में, या फिर कोई भी ड्राइंग आपको बनानी है उस पर रियलिस्टिक टेक्सचर लाना है, स्मूथ टेक्सचर बनाना है, तो उस पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए, ग्रेफाइट चारकोल को ब्लेंड करने के लिए, टेक्सचर स्मूथ बनाने के लिए आप ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन से ब्रशेज आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास वाटर कलर ब्रशेज भी हैं और मेकअप ब्रशेज भी हैं, जो कि मैंने लोकल मार्केट से बाय किए थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं इस पे वीडियो बनाओ, कौन से ब्रशेज आप यूज़ करते हो, तो इस वीडियो में सारा बता दूंगा कौन से ब्रशेज यूज़ करता हूँ, किस तरह से यूज़ करता हूँ, कहाँ कहाँ पर यूज़ करने चाहिए, और भी ब्लेंडिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले एक बार देखते हैं इनको यूज़ करके किस तरह के हैं, तो लेट्स सी। सो गाइस, मेरे पास अभी तीन ब्रशेज हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ अपनी ग्रेफाइट और चारकोल को ब्लेंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल वाटर कलर ब्रशेज है, जो कि मेरे पास एक साल से, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसको मैंने यूज़ किया है ब्लेंडिंग करने के लिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये कुछ इस तरह का, आगे से फ्लैट कुछ इस तरह का है, ये सिंपल वाटर कलर ब्रश है जो कि आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। आगे से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिससे जो ग्रेफाइट और चारकोल काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है स्मूथली। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो 8 नंबर का ब्रश है ये, 50 रुपीज़ का मिला था मुझे, दिल्ली से बाय किया था मैंने। और जो ये वाला है ये भी कैमलिन का है, 8 नंबर का, ये भी वाटर कलर ब्रश है, तो आगे से थोड़ा डिफरेंट है ये, जो कि आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी दिल्ली से बाय किया था, ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला, इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। थर्ड ब्रश है मेरे पास मेकअप ब्रश, तो ये मैंने मार्केट से ही बाय किया था, यहीं से, लोकल मार्केट से, किसी भी आपको मेकअप वाली शॉप पर मिल जाएगा, कॉस्मेटिक वाली शॉप पर। तो इसमें दो ब्रशेज थे, तो ये वाला है, ये लिटरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश है, इससे काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है। सो ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 70 रुपीज़ का है, 70 रुपीज़ में दो थे इसके अंदर, एक तो इस तरह का था और एक फोम टाइप का है। तो देख लो, आगे से इस तरह का होना चाहिए अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है, तो अगर आपको स्केचिंग में, अगर ग्रेफाइट और चारकोल में ब्लेंडिंग करनी है। दूसरा तो इस टाइप का था कुछ, आपको पता होगा अगर आप एक गर्ल है तो, मेरे को तो पता नहीं किस लिए यूज़ करते हैं इसको, बट इससे भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही थी, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, तो इससे भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही थी। सो ये तीन ब्रशेज है जिनका मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए, तो अब इनको यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं शेडिंग करता हूँ, उसके बाद इसको ब्लेंड करके दिखाऊंगा। तो मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सो मैंने लाइट और डार्क दोनों शेडिंग की है, तो दोनों को मैं आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। तो मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास तीनों में से कोई भी ब्रश है, कोई भी आपके पास वाटर कलर है या फिर मेकअप ब्रश कोई भी है, तो आपको सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आप काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर पाएंगे। और क्यों यूज़ करते हैं हम ब्रश का, वो मैं आपको वीडियो के अभी लास्ट में बताऊँगा। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्मूथ ब्लेंडिंग हो पा रही है ब्रश का यूज़ करके। आपने मेरे आजकल की वीडियोज़ में देखा होगा, मैं ब्रशेज़ का ही यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए, कोई और भी टूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला देखो, ये पता नहीं क्या है, ये उसके साथ में आया था मेकअप ब्रश के साथ में, तो इससे भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो पा रही है। तो देखो, ज़्यादा स्मूथ इसी से हो रही है, उन ब्रश से इतनी स्मूथ नहीं हो रही है। सो ये भी आई थिंक काफ़ी अच्छा टूल है ब्लेंडिंग करने के लिए। सो अब मैं आपको एक स्केच में ब्लेंड करके दिखाता हूँ, जो कि मैंने कल अपलोड किया था, उस पर मैंने ओनली शेडिंग की थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा ब्लेंड करके दिखा देता हूँ। अगर आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म और स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए, तो आप एक बार ब्रश को साफ़ कर लो किसी भी टिश्यू पेपर का यूज़ करके या फिर किसी भी क्लॉथ का यूज़ करके, ताकि जो भी ग्रेफाइट चारकोल उसके ऊपर लगा हुआ है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर आप ब्लेंडिंग करो, तो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी जो भी आपने शेडिंग किया उसके ऊपर से। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस स्केच में मैंने कंप्लीट शेडिंग की है, बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं की है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको शेडिंग के बारे में बताया कि किस तरह से मैंने ओनली एक ही पेंसिल का यूज़ करके ये कंप्लीट फेस को शेड किया है। और ब्लेंडिंग भी आपने काफ़ी स्मूथली ही करनी है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से मैं काफ़ी स्मूथली ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग कैसे करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बार शेडिंग की और ऊपर से आपने ब्लेंडिंग कर दिया, ऐसा नहीं है कि एक बार शेडिंग करके एक ही बार ब्लेंडिंग करनी है, बारी बारी आपको शेडिंग करनी पड़ेगी, जब तक आपका टेक्सचर सेम नहीं बन पाता आपकी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, बारी बारी दोबारा शेडिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं आप कर रहा हूँ। एक बार मैंने ब्लेंड कर दिया, ऊपर से मैं अब दोबारा शेडिंग कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करके। तो ये आपको टेक्सचर समझना पड़ता है, किस तरह का आपका टेक्सचर है फोटोग्राफ में, उसके हिसाब से आपने ब्लेंडिंग करते रहनी है और बारी बारी आपको शेडिंग करते रहनी है, अब जब तक ये आपका फोटोग्राफ के जैसा आपका बन ना पाए। अगर एक ही बार शेडिंग करके ब्लेंड कर दोगे तो फीका फीका लगेगा, तो जो भी डार्क वैल्यूज़ हैं उनको डार्क करना बहुत ज़रूरी है, तो बाद में ज़रूर शेडिंग करो, और हाईलाइट भी उसके बाद ज़रूरी होती हैं, जो भी इरेज़ करना हो या फिर आपको वाइट जेल पेन का यूज़ करना हो, तो उसके लिए वो भी ब्लेंडिंग के बाद की बात है।
हाइलाइट्स वगैरह आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो। जिस तरह से मैं अब कर रहा हूँ, मुस्टैचे में अब ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले मैंने कंप्लीट शेडिंग कर ली थी, अब मैं मुस्टैचे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि वाइट है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, टोम्बो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने ब्लेंडिंग करते रहनी है और साथ में शेडिंग भी करते रहनी है, जब तक आपका टेक्सचर बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ ना हो पाए। बस इसी तरह से मैं हर ड्राइंग में ब्लेंड करता हूँ ब्रश का यूज़ करके, चाहे वो ग्रेफाइट हो या फिर चारकोल, जैसे कि अब आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस ड्राइंग में मैंने कंप्लीट ब्लेंड करने के लिए ब्रश का ही यूज़ किया था। और अगर चारकोल ब्लेंड करने की बात करें स्पेशली हेयर में, तो वहाँ पे तो आई थिंक ब्रश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे हेयर ड्राइंग के ट्यूटोरियल्स देखा होगा तो आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और काफ़ी रियलिस्टिक आप ड्रॉ कर सकते हैं हाइलाइट्स वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल ओपन करना, वहाँ पे ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएंगे मेरे सारे ट्यूटोरियल्स, जिसमें मैंने हेयर के बारे में बता रखा है, किस तरह से आप चारकोल का यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड सब कुछ मैंने बता रखा है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ट्यूटोरियल वाली। सो गाइस, ये थे कुछ ब्रशेस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं स्केचिंग में टेक्सचर स्मूथ पाने के लिए, या फिर ग्रेफाइट चारकोल काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपके पास इन तीनों में से कोई भी हो, मेकअप वाला या फिर कोई भी वाटर कलर ब्रश हो, तीनों में से अगर आपके पास एक भी आपको अवेलेबल हो रहा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप हर पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया उस तरह से एक बार साफ कर लेना, आप काफ़ी अच्छे से आप ब्लेंडिंग कर पाओगे। और जो भी बिगिनर्स हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर स्टम का यूज़ मत करो कंप्लीट फेस में। पेपर स्टम का यूज़ पर्टिकुलर एरियाज में करते हैं हम, उस पर मैं जल्दी ही वीडियो बना दूँगा किस तरह से पेपर स्टम का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है, बट इसका यूज़ करो, क्योंकि इससे आपका जो पेपर का टेक्सचर है वो ख़राब नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हल्की हल्की ब्लेंडिंग होती है इससे, क्योंकि जो पेपर स्टम्प होता है वो हार्ड होता है, और अगर आप उसको ग्रेफाइट के ऊपर इस तरह से मतलब रब करते हो तो एकदम से एक तो डार्क शेडिंग होती है, वो पेपर के ऊपर ऑप्ट हो जाता है पूरा अच्छे से, और स्मूथ शेडिंग आपको कई बार नहीं मिलती है। फेस पे आप करते हो स्मूथ शेडिंग नहीं मिलती, बट इससे आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाएगी, क्योंकि जो इसके ब्रश हैं ये काफ़ी स्मूथ होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ब्रशेज़ का यूज़ करो अगर आपको ब्लेंडिंग करनी ही है। तो मैं तो आजकल ब्रशेज़ का ही यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एक डेढ़ महीना हो गया मैंने पेपर स्टम्प का यूज़ ही नहीं किया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इनका यूज़ करके, काफ़ी अच्छे से मैं कम्प्लीटली इनका यूज़ करके ब्लेंडिंग कर पा रहा हूँ। ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पा रही है, ज़्यादा मतलब ऑप्ट नहीं हो पा रहा है, बट जो शेडिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है, काफ़ी आर्टिस्टिक लग रही है। सो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पेपर स्टम्प पर मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इंप्रूव, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।